वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लेट नाइट आ रही है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंट्रो भी मैं सब कुछ एंड करने के बाद आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब आके काम कराना स्टार्ट कराया था तब मेरे को टाइम नहीं लगा, मेरे दिमाग में बात नहीं आई कि मेरे को इंट्रोडक्शन भी शूट करना है। तो भाई मैं आया हूँ कार, अपना जो कार श्रृंगार वाली जगह है वहीं पर आए हुए हैं, चमत्कार भैया के पास ही है हम लोग, और गाड़ी का पूरा काम जो है आप लोगों को होता हुआ दिख जाएगा। दिन का मोड भी है, रात का मोड भी, और जो भी चीज अच्छी हो सकती है वो आप लोगों को दिखाएगी। तो सीधे चलाओ और देखो इस वीडियो को। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। शॉपिंग करी है, वो करी है चार लाइटों की। तो जो चार लाइट है वो आप लोगों को सेम ऐसे दिखने वाली है, 37 वॉट की आती है। इसमें 72 वॉट का भी आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, लेकिन 72 वॉट में आप लोगों को इंडिकेटर और फ्लैशर नहीं मिलते हैं। तो भाई इसको लगाने के बाद मैं आप लोगों को नाइट मोड के साथ ये दिखाऊंगा कैसी दिखती है। पीछे का जहाँ पर लगाने का सोच रखा है भाई वो इस जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशनिंग मैंने सोची हुई है, लेट्स सी कि सब कुछ होने के बाद कैसा लगता है। इसको परचेज करते हो तो इसके साथ आप लोगों को क्लैंप मिलता है, और ये एक लाइट जो है मेरे को कॉस्ट करी है 450 रुपये, और भाई मेरे को बहुत रीजनेबल लगा, लेकिन क्वालिटी के ऊपर सारा खेल है। मेरे को लगता नहीं कि 37 वॉट में ज़्यादा दम होगा कि आगे कुछ चीज़ दिखा सके, लेकिन मैं इसको रीज़न बीइंग कि जो इसकी लाइटें हैं वो नीचे है और ऊपर की साइड मैं एक तरीके का चाहता हूँ कि लोगों को इंडिकेटर क्लियर से दिख जाए, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। बाकी यहाँ के लिए भी एक लाइट सोच रहा हूँ अभी, तो जब लगाता हूँ तो आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर देने वाला हूँ। तो गाइस मीनवाइल जो है यहाँ पर पूरी इसकी प्लेसमेंट कर दी गई है। आप लोगों को अपडेट के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बोल्ट आया था ये बोल्ट क्लैंप के साथ लगा के पूरा परफेक्ट कर दिया। मैंने देख लिया सीधा है कि नहीं है, तो ये सीधा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया। दोनों साइड से आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट होगी, और बिल्कुल स्ट्रेट है। बाकी वायरिंग जो है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कहाँ से भाई लोग निकालेंगे, जहाँ से आप लोगों की पीछे की टेल लाइट वाली और ये इंडिकेटर वाली पूरी वायरिंग जाती है, वहीं से बनती हुई इसमें जो है टाई बेल्ट बनते हुए चले जाएगा। इसी के साथ में फ्रंट में जो है भाई हमने कहाँ सोचा लगाने का, यूजली लोग जो है यहाँ पर लगवाते हैं क्लैंप का जुगाड़ करा के, मैं यहाँ नहीं लगवा रहा हूँ। इसके साथ मैं छेड़खानी नहीं करवाना चाहता हूँ। जो मैंने ऑफ रोडिंग बम्पर लगाया हुआ है उसमें 2 स्लॉट ये बच रहे हैं, तो अगर मैं नॉर्मल लगाता हूँ तो वो टच हो रहा है इससे, तो हम खैराद वाले के पास जाके इसके आसपास कहीं एक होल करा लेंगे जिससे इसकी परफेक्शन आ जाए और इंडिकेटर जब सामने से चले तो देखने में मज़ा भी आए। तो दोनों तरफ में आप लोगों को वो चीज़ होती हुई दिख जाएगी, और जब वो कराएंगे तब मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा। तो यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो भाई, हमारी जो लाइट का कनेक्शन है वो भी चेक हो रहा है यहाँ पर, और ये आप लोगों को अभी व्हाइट में दिखेगा। तो इसका भाई ने यहाँ पर कनेक्शन करके टेप मार दिया, भैया मारो ब्रेक। तो दिस इज हाउ इट गोइंग टू लुक, और ये ब्रेक मारने में आपको व्हाइट लाइट दिख रही है। तो भाई यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं इतने पार्ट को, पूरा वेल्डिंग से चेंज करवा रहे हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों ने जो वेल्ड होते हुए देखा था वो सारा पार्ट इसके नीचे का था, और उस उधर से पेंट पूरा उड़ गया, देख लो एक बारी, ठीक है। यहाँ से पूरा पेंट उड़ चुका है, लेकिन लगने के बाद आपकी जो लाइट है वो ऐसी दिखने वाली है। इसको ऑन करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इसका लुक आता है, लेकिन फॉर अ क्लैरिटी आप लोग देख सकते हो भाई बढ़िया बिल्कुल लाइट लग रहा है। और इसके बीच में मैंने गैप जानबूझ के दिया है जिससे वाइब्रेशन होने की वजह से टकराए ना या फिर दिक्कत ना करे, तो बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, हमारी लाइट का जो पूरा कनेक्शन था वो हो चुका है, आप लोगों को जला के भी मैं दिखा दूंगा। इसी के साथ में जो है भाई इसमें भी टेपिंग कर दी है हम लोगों ने, रीज़न बीइंग कि भाई किसी की आंखों में ना लगे, क्योंकि वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट अप है, और उसके ऊपर कम से कम कुछ भी नहीं तो 4 फिल्में हमने लगाई है। इसी के साथ में इसका मुंह जो है मैंने नीचे की साइड में कर दिया जिससे आंखों में लगने वाला जो सीन है वो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाए और कहीं ना कहीं हद तक खत्म हो जाए। और बाकी जो एक बार ब्रेकिंग का आप लोगों को रिस्पॉन्स दिखा दो, पीछे से बंदा देखता है तो उसको देखने में कैसा मिलने वाला है। एंड एक बार भाई दोनों साइड का डन हो चुका है, फ्रंट का भी आपको दिखा दूंगा जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाकी एक बार देखते हैं कि लाइट जलने में कैसी लगती है। आप लोगों का एक ओवरव्यू आप लोगों को दिख रहा होगा। सो अगर ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट होती तो आंखों में लग जाती, सो अब जो है ये आंखों में नहीं लग रही है, और कहीं ना कहीं इसका व्यू पॉइंट जो है वो बढ़िया वाला बना हुआ है। सो भाई भाई ने जो सारी की सारी वायरिंग की है वो आप लोग चेकआउट कर लो, अभी भी भाई काम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वायरिंग जो है सारी की सारी वहीं से आ रही है जहाँ से आपकी स्टॉक वायरिंग आती है, उधर से भाई ने डाल के उसमें पूरा जो है देख लो, देखो भाई ओरिजिनल स्लॉट से जो है भाई निकाल के लेके आएंगे वायरिंग। तो भाई देख लो भाई ने निकाल दिए तार, और जहाँ से भाई ओरिजिनली निकलती है तार देख लो वहीं से तार निकाल के रखी है, और बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बारी है आगे की साइड की, आगे से वायर परफेक्ट की जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के साथ साथ में एक प्रोसेस और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई हमारी जो सीटें हैं वो ड्राइवर साइड की सीट लगी हुई है, दूसरे साइड की सीट निकाल दी गई है, रीज़न बीइंग की सीट में भी भाई मेमोरी फोम वाला काम चल रहा है। और कहाँ पर आए हुए दिखा देता हूँ भाई आपको, तो भाई कृष्णा कार श्रृंगार
चमत्कार भाई के पास आया, काम चल रहा है। तो जैसे परफेक्ट होता है मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, बाकी सीट का कैसे सब कुछ चेंज होगा वो आप लोगों को होता हुआ दिखेगा। सो गाइस यहाँ पर मोनू भाई जो है वो हमारे लिए लेके आए हैं ये जबरदस्त वाले मैट भाई, पूरे जैसे आप लोगों ने घास देखी होगी ना वैसा वाला मैट है। और ये मैंने मार्केट में काफी ढूंढा, इसका रिसर्च किया, उसके बाद मैंने मंगाया। जबरदस्त चीज है, लगा के रिस्पॉन्स जरूर बताऊंगा, कहीं ये टूट के खराब तो नहीं होता है, लेकिन जबरदस्त चीज थी और मजा काफी आया, तो इसको लगाएंगे और आपको इसका रिस्पॉन्स बताएंगे। तो यहीं पर हमारा जो है फ्रंट वाला भी पूरा जो सेटअप था वो रेडी हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो भाई जो इसमें वायरिंग है वो पीछे आप लोगों को थोड़ी गड्ढे वाली दिखेगी, ये वायरिंग जो है हम लोगों को इधर से पास आउट कराने के लिए ये चीज करवानी पड़ी। कोशिश करूंगा कि बाद में एक बार रीपेंट कराना पड़ेगा आगे वाली चीज, क्योंकि यहाँ पर ये जो है जलने के बाद थोड़ा सा गंदा लगने लग गया, लेकिन स्टिल ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी बहुत जल्दी। और इसी के साथ में भाई जो लुक है वो गाड़ी का काफी अच्छा निकल के आने वाला है। बाकी नाइट मोड में आप लोगों को दिखा दूंगा लाइटिंग का कैसा रिस्पॉन्स आता है। पीछे की तरफ में हमने इतने पार्ट में फिल्म लगाई जिससे पीछे आने वाले बंदे को दिक्कत ना हो। लाइट भी मुंह नीचे कर दिया, ये एडजस्टेबल है पूरा, और लेट्स सी कि जब हो जाता है तो कैसा लगता है। तो गाइस इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लो, भाई ने हमारा जब बार लगा था तब भी बड़ी प्यारी वाली लाइटिंग का पूरा रिस्पांस किया था, देख रहे हो कितना बढ़िया बनाया था। इस बार भी कटिंग कर रहे हैं, अब की बार दो लगेंगे बटन, और एक बटन का काम क्या होगा भाई, फ्लैशर चलाएगा, दूसरे वाले का काम होगा आगे की जो व्हाइट लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो लेट्स सी कि सब कुछ कैसा रहेगा और जैसा आउटपुट आएगा आप लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचेगी। यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो, हमारी सीट में ऑलरेडी सीट कवर चढ़े हुए थे, लेकिन इसमें जो फिनिशिंग देनी थी वो थी भाई मेमोरी फोम की, इसको और फाइन करना था। और स्पेशली बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई इसका कोई डिजाइन चेंज करके बनाओ, तो भाई बर्फी डिजाइन भी चूज किया हुआ भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, और पूरी सीट को फिर से रीजनरेट किया जाएगा। और एक बार भाई एक बार दिखाओ मेमोरी फोम, दिखाओ सबको पहले। तो भाई जैसी रिक्वेस्ट थी, भाई लोग कहते नई गाड़ी में मेमोरी फोम डलवाए कि नहीं डलवाए, भाई नई गाड़ी में जरूरत नहीं होती है, जितनी भी पुरानी गाड़ी जिनमें सब चीजें दब गई है उस तो फायदेमंद है। क्या कहते हो अंकल इस बारे में, लोग कहते हैं नई गाड़ी में डाल दो वो तो सीट उड़ जाएगी, और उड़ जाएगी नई गाड़ी में नहीं डलता। देखो भाई एक बार दिखाओ दबा के फिर से, देखो पूरा क्रश कर दो इसको और उसके बाद छोड़ दो। देखो भाई ये है जादू, और बढ़िया वाला जादू है ना। तो भाई भाई को काम करने देते हैं, सारा प्रोसेस आप लोग जानते हो, एक बार बिल्कुल कम्प्लीटली फिट हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है हमारा जो पूरा आप लोगों ने ग्रास वाला लगता हुआ देखा था, तो भाई यहाँ पर देख लो क्या लुक आ रहा है उसका, और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पार्क में बैठे हो। क्या कहना है मोनू भाई, बिल्कुल लगेगा फील आएगी ऐसी, बिल्कुल बढ़िया। तो अभी यहाँ पर बराबर करके करेंगे भाई। तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, नीचे बैठने वाली जगह जो है वहाँ पर मेमोरी फोम डला है, काफी ज्यादा उठा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये क्यों मेरे को चाहिए, जब हम लॉन्ग ड्राइव्स कर रहे हैं जब हम एकदम ऑल ऑफ सडन टर्न्स लेते हैं तब ये बहुत हेल्पफुल है। और भाई ये पूरा नीचे दब जाएगा, ठीक है देख लो, और बहुत जबरदस्त वाला कम्फर्ट होता है। अगर कुछ भी आने वाले टाइम में दिक्कत लगी तो आप लोगों तक शेयर कर दूंगा, लेकिन ये डिजाइन मेरे को चाहिए था जो कि फाइनली निकल के आ चुका है, सेम जैसा आपने स्विफ्ट में देखा था मैंने वैसे कराया, बस कलर का डिफरेंस है। और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। गाइस यहाँ पर देख लो पूरे जो हमारे पुराने वाले मैट तैयार किए गए थे मायापुरी में, उसी की ट्रेसिंग करके यहाँ पर तैयारी की जा रही है, और बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाएगा। और भाई जो पूरा कहते हैं कि एक गार्डन वाली फील आती है, गार्डन वाली फील आएगी जब इसके ऊपर बैठेंगे, और लेट्स सी कि जिसका रिस्पांस कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जानना चाहते होंगे ये निकलता तो नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के निकलते हुए मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल जब इसका यूसेज होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो भाई ने यहाँ पर कटिंग कर दी है बराबर, तो एक बार लगा के देखते हैं उसके बाद मैं आपको। तो गाइस यहाँ पर चेकआउट कर लो, हमारे योले मैट भी बिक चुके हैं, भाई ने जो है परफेक्ट कटिंग कर दी है, क्योंकि ये खटखट आवाज़ आनी चाहिए, और बाकी सब चीज़ें परफेक्ट लग रही है भाई, ठीक है देख लो सब कुछ परफेक्ट है। और देखते हैं भाई रिस्पांस कैसा रहेगा, क्योंकि जब यूज़ कर रहे होंगे तब आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा दिखा पाऊंगा। और इसी के साथ में उस तरफ का भी बिक चुका है, ठीक है जितना क्रिस्टल क्लियर हो सकता है उतना आपको दिखा दिया है, बाकी देखते हैं भाई यूसेज करते हैं और जैसा रिस्पांस आएगा आप लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे। पीछे का जो हम सोच रहे हैं इतने से इतना पार्ट अलग, और पीछे का मैं केवल इतना जो पार्ट है जितना साइड में देख रहे हो इसी को कवर करा के यहाँ तक लेके आऊंगा, तो भाई इसको तैयार कर रहा है उसके बाद आपको दिखा। तो भाई हमारी एक सीट पूरी कंप्लीशन की तरफ आ चुकी है, और टाइम हो रहा है 10:02, और देख लो भाई एक बारी, और जबरदस्त वाला मेमोरी फोम वाला रिस्पांस है। इसमें बैठने के बाद जो मजा आएगा भाई वो तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, और मजेदार है भाई, है मजा आएगा ना, मजा आएगा बैठ के देखो। तो भाई एक बार जरा वीडियो बनाओ थोड़ी जरा हमारी, बढ़िया तरीके से बैठा हुआ हूँ, और नीचे दिखाओ पहले लोगों को कितना दब गया पूरा मेमोरी फोम में, पूरा मैं बैठा हूँ, पूरा बैक सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है, और देखो भाई पूरा अंदर तक दब जाएगा। सो गाइस यहाँ पर चेकआउट कर लो भाई, हम लोग ऑलमोस्ट इनिशियल स्टेज से पूरी एंडिंग स्टेज में पहुंच चुके हैं, काम देख लो भाई एक नंबर का है, पूरा फील आ रहा है कि भाई पार्क में बैठे हुए हैं, और भाई ने जो है एक नंबर की फिनिशिंग लाई है, जो भाई काम कर रहे हैं हमारे देख लो एक बार, भाई शक्ल दिखा दो भाई एक बार अपनी, बढ़िया
और यहाँ पर सिस्टम वाली चीज भी सारी हाइड कर दी है, कुछ भी नहीं बचल रहा है। वो पतला वाला दो कंपोनेंट जो है वो यहाँ रखे जाएंगे और देखते हैं भाई कैसा लुक आएगा। वैसे बहुत जबरदस्त आ रहा है, मजा आएगा। लास्ट में रेडी होने के बाद पूरी गाड़ी दिखाता हूँ। सो गाइस, हम लोग जो डैश को पूरा साफ करने के लिए यूज करने वाले हैं वो कौन सा भाई, एक बार दिखा दो पहले एक बार। तो भाई ये K2 परफेक्ट का आता है, कॉकपिट स्प्रे को बोला जाता है। एक बार दिखा भाई, मार के देख लो पूरा का पूरा इसको मारो और बढ़िया तरीके से चमक आ जाती है पूरी इसमें। और आपको दिखाऊं जरूर कैसा लुक आता है जब ये पूरा सही से फैल जाता है। देखो भाई बढ़िया। देखो भाई एसी तो है नहीं गाड़ी में, तो कोई भी ऐसा जो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लीनिनेस वाइज जो है काफी बढ़िया हो जाएगा। देखो टाइम की आप लोगों को नाइट मोड दिखा दिया जाए कि भाई सारा काम कैसा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटीरियर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है भाई। फुल देख लो एक बारी, चारों तरफ से आपको घास वाला दिखेगा। और जो हमारे स्पेशली सीट कवर्स है भाई, एक नंबर के सीट कवर तैयार हुए, देख लो फुल फिनिशिंग के साथ। इसी के साथ हम पीछे देख लो, ठीक है, पीछे की सीट को कुछ टच नहीं किया लेकिन नीचे पूरी कवरिंग कर दी है और काफी जबरदस्त आ रहा है। इसी के साथ में जो फ्रंट में लाइट लगाई है, ठीक है, एक बारी पहले देख लो। अभी सब कुछ बंद हो रखा है, आप लोगों को अभी ऑन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक बार लाइटिंग आपको ऑन करके दिखाता हूँ पहले मैं। तो ये हमारी लाइट है जो कि आगे है और भाई जो है ब्रेक में पैर रखा हुआ है। तो भाई ब्रेक मार के दिखाना लोगों को, मारो ब्रेक मारो। तो भाई ये लाइट क्यों जरूरी है रात को, क्योंकि भाई होता क्या है नीचे की तरफ लोगों की नजर नहीं जाती है, तो ये जो है ज्यादा परफेक्शन के साथ आएगी। और देख लो भाई, देखो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और कैसा लुक है जरूर बताना भाई। मारते रहो हल्का हल्का, बढ़िया। और इसी के साथ में आपको फ्लैशर वाली चीज भी दिखा देता हूँ भाई। और ये केवल जब फॉग लाइट हो, 2, 3 और 4, चौथे में ये स्टार्ट होता है फ्लैशर। देखो भाई ठीक है भाई, बढ़िया वाला मोड आता है इसमें और दिखने में काफी जबरदस्त लगता है, देख लो बढ़िया वाला। तो भाई ये था पूरा काम जो आज हमने करवाया और बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम हुआ है। और आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। और आज परफ्यूम भी रखवा लिया भाई, बढ़िया वाला। और भाई बहुत फिनिशिंग बढ़िया हो गई है, मेमोरी फोम जो है बहुत जबरदस्त का काम हो रहा है। और जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे होंगे एंगल, लॉन्ग ड्राइव में मजा आएगा, मजा आ जाएगा है ना, जब भी लॉन्ग ड्राइव करोगे तब बहुत मजा आएगा। आपने डलवाया ना इसमें, हाँ घास बिल्कुल डिफरेंट चीज है भाई। देखो कुछ बहुत कम भाई डलवाते हैं, लेकिन अपने को कंफर्ट चाहिए था, बढ़िया चीज चाहिए थी, तो भाई इससे बढ़िया ऑप्शन कोई था नहीं और मजेदार काम हो गया। आप लोगों ने पूरी गाड़ी का काम होते हुए देख लिया, लाइटिंग का सारा काम हो गया और भाई अंकल की वजह से आज अपनी गाड़ी के सीट कवर्स में भी मेमोरी फोम लग गया और जो डिजाइन पूरा स्विफ्ट में था वो डिजाइन इसमें निकल के आ गया। तो अंकल एक चीज बताओ, बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते रहते हैं कि पुरानी गाड़ी के अंदर ही मेमोरी फोम डलवाना चाहिए, नई गाड़ी के अंदर भी डलवा सकते हैं, डलवा सकते हैं नई वाली गाड़ी में, नई गाड़ी में डलवा सकते हैं, अगर चाहो तो आप लोग डलवा सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, देखो अगर आपकी गाड़ी अच्छी ट्यून में है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर दिक्कत है तो मतलब जो डलवाओ तब डलवाओ, नहीं तो भाई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। बाकी जितना भी काम आपने होते हुए देखा वो सारा काम हुआ था कृष्णा कार श्रृंगार में, एक एक चीज यहीं पर हुई है, सब चीजें चेकआउट हो चुकी है और बिल्कुल ओके रिपोर्ट वाला सामान जो है वो मैंने खरीदा और लगाया है। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोगों को अंकल तक पहुंचना है तो अंकल कैसे आना है एक बार बता दो। अब्दुल अजीज रोड में होटल आनंद लिख देना, आनंद होटल आनंद लिखोगे तो वहां पर आप लोगों को सर्च में साइड में कृष्णा कार श्रृंगार दिख जाएगा, जहाँ पर अंकल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आओ और चमत्कार करके दिखाओ, है ना, चमत्कार आपको होते हुए मिल जाएगा। संडे को भी ऑफ नहीं है, मंडे को भी ऑफ नहीं है, पूरे टाइम जो है आपको शॉप ओपन मिलेगी। मॉर्निंग में 10 से नाइट के 10 तक गाड़ी वाला काम सारा होता रहता है। तो इसी के साथ में गाइस अगर आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। इसी के साथ में मुसाफिर की सारी वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ मजेदार चीज देखने को मिलती है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ में भाई सपोर्ट ऐसी बरकरार रखो, बहुत जल्दी हम लोग और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और गाड़ियां आने वाली है बहुत अच्छी। क्रेटा वालों अगर कोई बढ़िया चीज बनवा रहे हो तो भाई उसको हम लोग फीचर करेंगे बहुत जल्दी चैनल में, तो तैयार हो जाओ।